वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोकी के एपिसोड 4 के बारे में। इस वीडियो में मैं लोकी के एपिसोड 4 के एंडिंग के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा इस एपिसोड का रिव्यू करूंगा। ये एपिसोड शायद सच में लोकी का सबसे बेस्ट एपिसोड है अभी तक का, और इस एपिसोड में काफी सारी चीजें हुई हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आपको भी लोकी एपिसोड 4 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लोकी के एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम सिल्वी की स्टोरी जानते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि कैसे सिल्वी को टाइम वेरियस अथॉरिटी ने उसके टाइमलाइन से उठा लिया था बचपन में ही। और उस समय जज रेवोना एक हंटर के जैसे काम करती थी टीवी में, पर सिल्वी हंटर रेवोना का टेम्पैड लेके वहां से भाग जाती है, और उसके बाद सिल्वी किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती थी। और क्योंकि टीवी ने सिल्वी के टाइमलाइन को रीसेट कर दिया था और उसे एक वेरिएंट बना दिया था, इसीलिए शायद सिल्वी टीवी को खत्म करना चाहती है। इसके अलावा इस एपिसोड में पता चलता है कि सिल्वी एंड लोकी आर इन लव, और टीवी के लोग सिल्वी और लोकी को इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि सिल्वी और लोकी के साथ होने से सेक्रेट टाइमलाइन में एक मेजर टाइम ब्रांच बन गई थी। इस एपिसोड में हमें यह पता चल गया कि एपिसोड 2 में जो नेक्सस इवेंट सिल्वी ने कॉज किया था, उसे टीवी ने किस तरीके से रोक लिया। अब टीवी ने उसे कैसे रोका ये तो हमें नहीं दिखाया गया, पर बेसिकली टीवी ने उसे रोक लिया। इसके अलावा लेमेंटिस के ऊपर लोकी और सिल्वी मरने वाले ही होते हैं, पर टीवी के लोग वहां आके सिल्वी और लोकी को ले जाते हैं टीवी के बेस में। इसके बाद ये एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हंटर B-15 और मॉबियस को ये पता चल जाता है कि टीवी उनसे झूठ बोल रहा है और वो सच में एक वेरिएंट है। मॉबियस को इसके बारे में लोकी बताता है और हंटर B-15 को इसके बारे में सिल्वी बताती है। इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि टीवी ने हंटर C-20 को मार डाला जब उसे ये पता चल गया कि वो एक वेरिएंट थी, और इस बारे में भी मॉबियस को पता चल जाता है। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें लेडी सिव का भी कैमरा देखने को मिला, जो कि शायद थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद पहली बार एमसीयू में दिख रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉबियस को जब पता चलता है कि वो भी एक वेरिएंट है, तो वो टीवी के अगेंस्ट जाने वाला होता है और लोकी को हेल्प करने वाला होता है। पर उससे पहले कि मॉबियस कुछ करे, जज रेवोना के सोल्जर्स मॉबियस को भी प्रून कर देते हैं, और इसके बाद सिल्वी और लोकी दोनों को जज रेवोना टाइम कीपर्स के पास लेके जाती है। सो इस एपिसोड में हमें फाइनली टाइम कीपर्स को दिखा दिया गया, पर इस एपिसोड के लास्ट में रिवील होता है कि टाइम कीपर्स बेसिकली रोबोट्स हैं और वो असली नहीं है, और उन्हें देखने से ऐसा लग भी रहा था कि वो रोबोट हैं क्योंकि उनका CGI अच्छे से नहीं किया गया था शायद, और टाइम कीपर्स काफी चाइल्डिश लग रहे थे। तो इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी का हेल्प करने आती है हंटर B-15, और उसके बाद सिल्वी और लोकी जज रेवोना और उनके गार्ड से लड़ते हैं, और इवेंचुअली वो टाइम कीपर्स को मार डालते हैं जो कि ऑब्वियसली रोबोट थे। पर इससे पहले कि लोकी सिल्वी को बता सके कि वो उसे प्यार करता है और उनके साथ रहने से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो सकता है जिससे ये पूरी की पूरी टीवी खत्म हो सकती है, उससे पहले ही जज रेवोना लोकी को प्रून कर देती है। इसका मतलब इस एपिसोड में मॉबियस भी प्रून हो गया और लोकी भी प्रून हो गया। पर प्रून होने से लोकी और मॉबियस दोनों मरे नहीं, इसके बारे में हमें इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन पता चला, जहां पर हम देखते हैं कि लोकी किसी अजीब जगह पे उठता है। शायद ये जगह एक तबाह हुआ हुआ न्यूयॉर्क है, जिस न्यूयॉर्क को हमने लोकी के पहले ट्रेलर में देख रखा है। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी जागता है और उसके सामने 3 और वेरिएंट्स ऑफ लोकी होते हैं। एक लोकी रिचर्ड ई ग्रांट इस सीरीज में किंग लोकी का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एक किड वर्जन ऑफ लोकी भी हमें दिखाया गया। इसके अलावा एक ऐसा वर्जन ऑफ लोकी दिखाया गया जिसके पास शायद म्यूनर है या फिर एक म्यूनर की कॉपी है। तो एपिसोड 5 में हमें पता चलेगा कि आखिर टीवी को सच में किसने बनाया है, इसके अलावा टाइम कीपर्स असल में कौन है, और प्रून होने के बाद क्या मॉबियस और लोकी वापस आएंगे। मुझे लगता है कि जरूर वापस आएंगे, क्योंकि शायद प्रून होने से वेरिएंट मरता नहीं है पर किसी डिफरेंट टाइमलाइन में चला जाता है, और शायद ये किंग लोकी और ये किड वर्जन ऑफ लोकी जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है, इन लोगों को भी शायद टीवी ने ही प्रून करके यहाँ पे भेजा होगा। सो लोकी का एपिसोड 4 मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। ये एपिसोड डायरेक्ट कंटिन्यूएशन था एपिसोड 2 का, और एपिसोड 3 से ये काफी अच्छा था। इसके बाद एपिसोड 5 के लिए भी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है, और आप मुझे कमेंट्स बताओ कि अब एपिसोड 5 में क्या हो सकता है, आपकी क्या थ्योरीज एपिसोड 5 को लेके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।